हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे देखिए चीकू पढ़ के आ चुका है। सुबह का मेरा जितना रूटीन होता है, मॉर्निंग वाला रूटीन, झाड़ू पोछा सब करके गई थी मैं। और खाने में मैं बनाई थी पत्ता गोभी, आलू का सब्जी और रोटी चावल। और दाल में नहीं बना पाई सुबह सुबह, और पूछी भी कि मतलब इसको खाना जो रहता है उसके हिसाब से बनाती हूँ। तो यहाँ पे बात यह है कि मिस्को को चोट लग गया है आँख में, और ये कैसे लगा है मुझे नहीं पता। शायद अपने नाखून से लगाई है या कुछ लेकर खेलते रहती उससे लगा है। पूरा आँख में एकदम लाल हो गया है, तो मैं डॉक्टर दिखाई और डॉक्टर दिखाकर ड्रॉप दिया है, तो वही डाल रही थी। तो चीकू को ले जाने से मतलब लाने से पहले ही गई थी डॉक्टर के पास, और वो ड्रॉप दिया है, तो पूरा एकदम परेशान है वो। आप सबको कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, लेकिन दाहिने साइड से है उसका पूरा आँख लाल है और सूज भी गया है थोड़ा सा। और ये उसका मॉनिटर बैच है, उसी से मैं हॉल की थी दवा को, और उसका ये मॉनिटर बैच मिला है और उसका चेंज कर रही हूँ। चेंज करने के बाद ये आज चीकू का लास्ट पेपर था, तो मैं छोटा सा वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऑल, ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चेंज करने के बाद चीकू खा रहा है। रास्ते में दोनों बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खरीद देती हूँ, तो वो खा रहा है। और उसके बाद मैं इसका बैग चेक कर रही थी, तो बैग चेक कर रही थी, क्वेश्चन शीट देख, आंसर शीट देख रही थी कि उसमें क्या क्या आया है। तो मैं जो भी रिवीजन कराई थी वही आया था, अदर कोई नहीं आया था। तो मैं देख रही थी और मैं उस प्यास भी लग गया था, तो पानी पीने लगी। मीकू वाई कार्ड पहन कर बैठी है और मेरे घड़ी के साथ खेल रही है, और उसको भी प्यास लगा था तो उसको भी पानी पिला दी। और मौसम आजकल कुछ ऐसे कर रहे ना फ्रेंड्स कि मैं क्या बोलूँ, कभी धूप तो कभी बारिश। कल का मेरा सारा कपड़ा बरांडा में ही था, तो सुबह मौसम आज कुछ ठीक है, धूप है, तो इसलिए ही मैं सुबह कपड़ा भी धुल ली और धोकल पड़ा हुआ है। तो इसको पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं छत पे जाऊँगी कपड़ा डालने। तो सारे क्वेश्चन मैं उससे पूछ रही थी, तो लिख पाया कि नहीं, और बाकी जितना भी है फटाफट सब बता रहा था, सब लिख लिया है। और मतलब बताया तो ठीक ही रहा है, अब एक दो मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो मिसिंग हो ही जाते हैं, तो उसमें भी नंबर कर सकता है। तो फुल जो 60 नंबर का है ये EBS का पेपर था, तो बोला मम्मी मैं बहुत लिख लिया हूँ, तो थोड़ा सा प्यार आ जाता है उसके बाद से। और बच्चे दोनों मेरे बहुत अच्छे हैं, और दोनों बच्चे से ही मेरा घर भरा है, और मेरे लाइफ में बहुत अच्छा भगवान जी गिफ्ट दिए हैं, जो दोनों की वजह से मेरा घर खुशहाल है। और उसके बाद मैं अब छत पे जाऊंगी कपड़ा डालने, क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी में टाइम नहीं मिला, और क्योंकि 11:30 बजे तक छुट्टी हो ही जाता है, तो इतना जल्दी मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैं अभी आ गई हूँ छत पे, छत पे फटाफट कपड़ा डालूंगी। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही कपड़ा धुल दी, मेरा जितना सूट था मतलब दरवाज़ा के पीछे टंगा हुआ था, बस जाती थी टाइम नहीं मिलता था, और एक दिन पहनकर ऐसे ही डाल देती थी दरवाजे के पीछे कुंडी पे। तो आज जितने भी सूट मेरा, नाइटी और हस्बैंड जी का कपड़ा, चीकू का कपड़ा, मिस्कू का कपड़ा, जितना था मैं आज सारा धुल ली। तो फटाफट देखिए मैं डाल रही हूँ कपड़ा, और मेरा ही सबसे ज़्यादा मेरा ही कपड़ा है, मैं जितना सूट था आज मैं सब धुल दी। तो देखिए यहाँ से लेकर लाल, पीला, वाइट, ब्लू, नीला, ये सब जितना है मेरे 8 सूट अभी हैं, और हस्बैंड जी का कपड़ा है, लेगी है, और यहाँ से ये तार से लेकर वो तार तक, मतलब आज तो कपड़ा धोते धोते ना बुरा क्या बोलूँ, हालत ख़राब हो गया। और मिस्कू का भी थोड़ा मौसम की वजह से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो वो भी जब भी जाती हूँ बाथरूम में साथ साथ, तो वो भी जाती है, वो बहुत प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद चीकू को खाना दे दी है खाने के लिए, वो सब्जी चावल खा रहा है। तो मेरा ब्लॉग छोटा ही रहेगा फ्रेंड्स, आई होप आप सब सपोर्ट कीजिएगा। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।